साथियों, ये सरकार योगी जी की सरकार, जिसको लोग ईमानदार संत के रूप में भी जानते हैं, लेकिन जो घटनाएं उनके सत्ता में आते ही होने लगी हैं, उससे क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझ में नहीं आता कि ये योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, संत की सरकार है, सत्य की सरकार है, ईमानदारी की सरकार है, या हर तरफ दिखावा ही है, हर तरफ भ्रष्टाचार ही है, हर तरफ लूट ही है, हर तरफ अपराध ही है। यह है भाजपा की सरकार। यही हालत अखिलेश की सरकार, यादव जी की सरकार में भी थी, समाजवादी पार्टी के सरकार में भी थी, उसके पहले माया की सरकार में भी यही स्थिति थी। तो मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को कि आपने योगी की सरकार भी देखी, अखिलेश की सरकार भी देखी, माया की सरकार भी देखी, अब एक बार वामपंथियों की सरकार को भी देखिए। आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बार लेफ्ट की सरकार को भी देखिए, सीपीआई और सीपीआई के घटक दलों को भी सरकार देखिए, उन्हें भी एक बार मौका देकर देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि लेफ्ट की सरकार के आते ही आप कम से कम उसे 25 साल से 35 साल तक शासन करने का मौका जरूर देंगे, क्योंकि 35 साल के शासन का इतिहास पूरे दुनिया में सिर्फ वामपंथ की पार्टियों ने ही दिया है, जो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया है। केरला और त्रिपुरा में भी आपने देखा है हमारा शासन व्यवस्था। तो बंधुओं, हमारे सुनने जानने और पसंद करने वाले साथियों, एक बार उत्तर प्रदेश में वाम दलों की सरकार बना के देखो, तुम्हें अंतर पता चल जाएगा कि कौन एक अच्छा शासन गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लड़कियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, एक उत्तम प्रदेश के लिए वामपंथियों के अलावा कोई और शासन, अच्छा शासन नहीं दे सकता, मुझे पूरा यकीन है। और आपको भी मौका देने के बाद पूरा यकीन हो जाएगा। धन्यवाद।